सो गाइस, आज है फर्स्ट डे, मंडे का दिन, और हमारा डे वन है जो हम ट्रांसफॉर्मेशन वाली सीरीज़ कर रहे हैं, जो मैं पूरा वीक का शेड्यूल बताने वाला हूँ आपको बिगिनर्स के लिए। तो फर्स्ट डे आज हम करेंगे चेस्ट एंड शोल्डर। पहली बात मैं आपको बता दूं कि अगर आप बिल्कुल फर्स्ट डे आपका जिम में आपने अभी तक कोई भी वर्कआउट नहीं किया आज तक, तो मेरी एक वीडियो जो मैंने अपलोड की हुई है फर्स्ट डे एट जिम, वो जाकर ज़रूर देखें और उन वर्कआउट्स को 3 दिन तक फॉलो करें। बहुत लाइट वेट से 3 दिन तक फॉलो करें जितना आप लिफ्ट कर पा रहे हैं। बट अगर आप ऑलरेडी वर्कआउट करते हैं, बिगिनर हैं, वर्कआउट कर रहे हैं, बट आपको कन्फ्यूज़न होता है कि यार क्या वर्कआउट करना चाहिए, तो आप डायरेक्ट यहाँ डे वन से स्टार्ट कर सकते हैं। तो आज डे वन है, हम चेस्ट एंड शोल्डर करने वाले हैं, और सबसे पहले हम वार्म अप से स्टार्ट करेंगे। सो वार्म अप स्टार्ट करते हैं। वार्म अप आपने आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, इससे आपको इंजरी से भी बचते हो, आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बढ़ जाता है, आप वेट भी अच्छे से लिफ्ट कर पाओगे। तो वार्म अप बहुत ज़रूरी है, 10 से 15 मिनट या 5 से 10 मिनट का वार्म अप तो बिल्कुल ही ज़रूरी है, बिगिनर्स हैं फिर भी, तो वार्म अप ज़रूर करें। इसके बाद हम करेंगे पुशअप्स। तो नॉर्मल पुशअप्स करने वाले हैं हम लोग, बट जो लोग पुशअप्स नहीं कर पाते उन लोगों के लिए भी बता देता हूँ। ये होते हैं नॉर्मल पुशअप्स, ये इसमें आपको 12 रेप्स के 3 सेट्स करने हैं। बट अगर आप ये पुशअप्स नहीं कर पाते हो, आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ नहीं है, क्योंकि बिगिनर्स होते हैं तो हम लोग नहीं कर पाते, तो आप अपने घुटनों के बल, अपनी नीज के दम पर आप पुशअप्स कर सकते हैं, सेम पोजीशन, बट आपके नीज होंगे, ये नीज इस तरीके से आप रखेंगे, नीज के दम पर रखेंगे और ऐसे पुशअप्स करेंगे। आपके हाथ ऐसे नहीं जाने चाहिए बाहर को, कई जो होते हैं वो इस तरीके से बाहर को जाते हैं उनके, क्योंकि बैलेंस नहीं हो रहे होते हैं, तो इसमें आपको थोड़े से अंदर को रहने हैं, ये इसके आपको 12 रेप्स करने हैं, 12 to 13 और 3 सेट्स करने हैं, ध्यान रखना, ठीक है। वार्म अप के बाद, पुशअप्स के बाद हम लोग आएंगे सीधा अपनी बेंच प्रेस पे, जो फ्लैट बेंच प्रेस है, जो हर किसी के जिम में होगी, हर कोई भी जिम जाओगे ये बेंच तो हमेशा मिलेगी आपको। मैं 10 kg यूज़ कर रहा हूँ, आप लोग खाली रॉड से स्टार्ट करना, क्योंकि जो लोग बिगिनर्स हैं उनके लिए 2.5 kg भी उठाना बहुत मुश्किल होता है। मैं 10 kg से उठा रहा हूँ वार्म अप के लिए, तो आप खाली रॉड से स्टार्ट करना। अगर खाली रॉड हल्की लगती है तो 2.5 kg लगाएंगे, आप 5 kg भी नहीं लगाएंगे स्टार्ट में अगर आप बिल्कुल ही बिगिनर हैं तो, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि ज़्यादा उठाने के चक्कर में आप इंजरी कर लेंगे और आपको कोई फ़र्क भी नहीं पड़ेगा। अपने शोल्डर से थोड़ा सा दूर पकड़ना है आपको, ये बिल्कुल सेम नहीं, थोड़ा सा दूर रखेंगे, इधर निशान दिए होते हैं वैसे रॉड पर, आप देख सकते हैं, बिल्कुल स्लोली नीचे, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप, ये मैंने 12 रेप्स करे हैं और इसके आपको 3 सेट्स करने हैं, जिस तरीके से मैंने किया उसी तरीके से करना है। जब आप नीचे ला रहे हैं तो इस मसल को बिल्कुल फील करते हो ना, केवल एकदम से नीचे लेके नहीं आ जाना है क्योंकि रॉड नीचे आ रही है, फील करते हो जितना स्लो ला सके उतना स्लो लाना है, एक एक बिल्कुल मसल को फील करते हो, आपके जो पैक्स होते हैं उनको फील करते हुए लेके आना है। इसके आप 3 सेट्स करेंगे, 3 सेट्स 12 रेप्स, ध्यान रखना इस बात को, आप पेपर से पे भी लिखते चले जाइए। 3 सेट्स इसके होने के बाद ये वाली बेंच आपको मिल जाएगी, जिसे हम कहते हैं इंक्लाइन बेंच। 10 kg लगा रहा हूँ मैं यहाँ पर, एंड सेम मैं यहाँ पर करने वाला हूँ, 12 रेप्स करूँगा, 3 सेट्स करूँगा स्टार्टिंग में, क्योंकि इसी तरीके से करना है आपको। यहाँ पे कोशिश करें हल्का सा यहाँ आर्च बने, आपकी बैक ऐसे ना हो रही हो, बैक हमेशा ऐसे, आपका चेस्ट अप हो रहा हो, बैक डाउन, और बीच में हल्का सा गैप रहे, ये
और जैसा मैंने आपको बताया कि निशान दिख जाएंगे आपको यहाँ, क्योंकि केवल ऐसे नहीं पकड़ना है आपको, हल्का सा वाइड होना चाहिए, ये यहाँ अप और फील करते हुए लेकर आना है नीचे पूरा अप अप। सेम 12 रेप्स करे मैंने और 3 सेट्स कर रहे हैं इसके भी। आपको कई लोग क्या होता है बेंच प्रेस पे ज़्यादा उठा लेते हैं, इवन मेरे साथ भी है ये, बेंच प्रेस पे ज़्यादा उठा लेते हैं और इसमें हमारे शोल्डर की पावर ज़्यादा लग रही होती है तो हम इस पर कम वेट उठा पाते हैं थोड़ा। तो अगर आप उस पर 2.5 kg लगा रहे हैं तो ऐसा हो सकता है आपके साथ कि आप इस पर 2.5 भी ना उठा पाएँ, तो आप खाली रॉड से स्टार्ट कर लेना। परेशान मत होना ये सोच कर कि यार मैं उठा क्यों नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है, धीरे धीरे आप समझ जाओगे। उसके बाद आती है ये डिक्लाइन बेंच प्रेस, इस पर मुझे पूरी रॉड लगानी पड़ेगी, रॉड ही गायब है। वीडियो थोड़ा लंबा होगा पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक बार देखने पर ही काफ़ी हेल्पफुल होगा आप लोगों के लिए। सेम हम डिक्लाइन पे करने वाले हैं, कम वही सेम करना है हमको, फील करते हुए नीचे लेके आना है अप अप 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सेम 12 रेप्स करें और इसी के भी आपको 3 सेट्स करने, मैं तीनों सेट्स करके नहीं बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और आप लोग भी बोर हो जाएंगे। अब हम करेंगे बटरफ्लाई, कम ये मशीन भी मोस्टली हर किसी के जिम में मिल जाएगा। मैं अपने अकॉर्डिंग 45 केजी लगा रहा हूँ, आपको स्टार्ट 10 टू 15 केजी से ही करना है, मैं कहूँगा 5-10 केजी से स्टार्ट करना, क्योंकि जब तक आप अच्छे से फील करके वर्कआउट नहीं करेंगे तब तक आपको कोई असर नहीं होगा, बस आप अपनी पावर लगा के अपनी कैलोरीज बर्न कर रहे हैं, मसल जो ब्रेक डाउन होते हैं वो नहीं होगा, ठीक है। इसमें जब आगे लेके आएंगे तो बिल्कुल फील करते हुए एक सेकंड के लिए पूरा स्क्वीज करके रोकना है, ओके, लाइक दिस स्क्वीज, धीरे धीरे फील करके वापस पीछे स्क्वीज, वापस पीछे स्क्वीज, वापस पीछे 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। सो इसके मैंने 15 सेट्स किए हैं पर इसके आपको 2 सेट्स करने हैं, 15 रेप्स 2 सेट्स। तो यहाँ पर हमारा चेस्ट वर्कआउट ख़त्म हो गया है, हमने फ्लैट किया, फ्लैट बेंच प्रेस, इंक्लाइन बेंच प्रेस, डिक्लाइन बेंच प्रेस, 12 रेप्स 3 सेट्स, इसके 15 रेप्स 2 सेट्स, ठीक है। अब हम स्टार्ट करेंगे अपना शोल्डर वर्कआउट, मिल ही जाएगा आपको इस तरीके का जो आप होगा, इसको ऊपर तक लेके आ जाना कि जब आप बैठोगे तो अपनी बैक आप सपोर्ट ले पाओ। डंबल्स देना 2.5 केजी के, मैं अभी 7.5 केजी के डंबल से बता दे रहा हूँ, 2.5 केजी से स्टार्ट करना, ओके, क्योंकि इसमें थोड़ी ज़्यादा पावर लगती है। मैं 7.5 केजी के डंबल्स ले रहा हूँ, आप 2.5 केजी से स्टार्ट करना क्योंकि ये थोड़ा सा हैवी लगता है और इंजरी भी हो जाती है, कई बार शोल्डर में प्रॉब्लम आ जाती है अगर आप ज़्यादा हैवी लिफ्ट कर रहे हैं और दिक्कत आ जाए तो इस तरीके से अप डाउन अप डाउन अप 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12।
12 रैप्स, इसके भी आपको 3 सेट्स करने हैं। इसको करने के बाद सेकेंड हम करने वाले हैं साइड रेजेस, तो उसमें भी आप सेम 2.5 केजी से कर सकते हैं। आपको अपने अकॉर्डिंग देखना है कि आप कितना लिफ्ट कर पा रहे हैं, जिसमें आप कंफर्टेबल हो रहे हैं। अगर मैं आपको 12 रैप्स करने की बोल रहा हूँ तो 12 रैप्स बहुत आसानी से कर पाए, आपके हाथ ऐसे आड़े तेड़े ना हो रहे हो, उठाने में दिक्कत ना आ रही हो। तो मैं साइड रेजेस सेम वेट से करके दिखा रहा हूँ आपको। सीधी पोजिशन में और ऊपर ऐसे लेके जाना है, 1 2 3। कई लोग गलत करते हैं, इस तरीके से करते हैं, इस तरीके से नहीं करना है। इसमें हम झटके से ऊपर ले जाते हैं, मसल ही फील नहीं कर रहे हैं। तो आपको बहुत फील करते हुए आपका जो ये पार्ट है यहाँ पर पेन होगा, हल्का हल्का सा मसल फील होंगे आपको। तो 12 रैप्स, 3 सेट्स। सेकेंड एक्सरसाइज ये हो गई। थर्ड एक्सरसाइज, हमेशा दूसरा जब आप सेट्स करने वाले हों, चाहे चेस्ट कर रहे हैं, कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हैं, फर्स्ट सेट किया, सेकंड हल्के हल तब तक ना करें जब तक आपकी हार्ट बीट नॉर्मल ना हो जाए, अदरवाइज आपने नेक्स्ट सेट में उतनी पावर नहीं दे पाएंगे, आप थके हुए रहेंगे। 40 सेकंड 45 सेकंड्स, 1 मिनट का रेस्ट लो जब तक आप बिल्कुल नॉर्मल फील ना करने लगो, जिससे आप जब दूसरा सेट्स करेंगे तो आप दोबारा अच्छी एनर्जी से उठा पाएंगे। क्योंकि धीरे धीरे आगे चल के आप ये वेट भी इंक्रीज़ करेंगे। अभी आप बिगिनर हैं, बिगिनर के तरीके से उठा रहे हैं, तो अगर आप 2.5 केजी से स्टार्ट करें तो नेक्स्ट सेट आप 5 केजी से नहीं कर पाएंगे ऑब्वियसली, क्योंकि 5 केजी जस्ट डबल हो जाएगा। बट जब आगे प्रोग्रेस कर जाएंगे, आप हर सेट में अपने वेट इंक्रीज़ करेंगे, तो तब आपको प्रॉब्लम आएगी। इसलिए हमेशा रेस्ट अच्छे से लें। थर्ड आर्नोल्ड प्रेस, फर्स्ट फॉर्म पे ध्यान देना है, देन वेट इंक्रीज़ करना है। फॉर्म पहले आती है, जिससे आपके मसल अच्छे से ब्रेक डाउन हो पाए। ऐसे हाथ रखना है, 1 1 2 2 3 3। अगर आप कर सकते हैं और तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ये हो गए आर्नोल्ड प्रेस, 15 रैप्स 3 सेट्स। ये चेस्ट एंड शोल्डर का वर्कआउट हुआ हमारा आज का। दोबारा बता देता हूँ, फ्लैट बेंच प्रेस 12 रैप्स 3 सेट्स, इंक्लाइन बेंच प्रेस 12 रैप्स 3 सेट्स, डिक्लाइन बेंच प्रेस 12 रैप्स 3 सेट्स, बटरफ्लाई 15 रैप्स 2 सेट्स, डंबल सेक्शन लाइट वेट। फॉर्म ध्यान में रखना है, 12 रैप्स 3 सेट्स, साइड रेसेस 12 रैप्स 3 सेट्स, आर्नोल्ड प्रेस 15 रैप्स 3 सेट्स। ये आपका चेस्ट एंड शोल्डर का वर्कआउट हुआ। वर्कआउट करने के बाद स्ट्रेचिंग ज़रूर करें, चेस्ट की स्ट्रेचिंग अच्छे से, पूरा अच्छे से स्ट्रेच करें। ओह, क्योंकि इससे प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। अच्छे से स्ट्रेच करें, स्टार्ट में वार्म अप ज़रूर करें। सो ये था वीडियो डे वन का, एंड आई होप आप सेम तरीके से परफॉर्म कर पाएंगे इसे, सेम तरीके से परफॉर्म करेंगे इसे, और ये हेल्प करेगा आपकी काफ़ी। नेक्स्ट वीडियो इसके बाद ही मैं रिकॉर्ड करूँगा कल, जो मैं अपलोड कर दूँगा जल्दी।
उसमें आपको डे टू दिखाऊंगा जिसमें दूसरी एक्सरसाइज हो रही होंगी। तो इसी तरीके से पूरा वीक का स्केड्यूल मिल जाएगा आपको, आपके डाइट का स्केड्यूल मिल जाएगा। आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आएगा और पसंद आएगा। पसंद है तो लाइक करना, शेयर करना दोस्तों के साथ, कमेंट करके ज़रूर बताना कैसा लगा आपको वीडियो और किस टॉपिक्स पर आप वीडियो चाहते हैं। मैं लिख के रख लेता हूँ क्योंकि इस वीडियो के लिए भी मुझसे रिक्वेस्ट की गई थी, तो मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। तो जो भी मन में टॉपिक है कमेंट करके जरूर बताएं। इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं कर रहे हैं तो दयाशानंद यूज़र नेम दिया। कोई भी प्रॉब्लम हो, अभी की ट्रांसफॉर्मेशन से कोई प्रॉब्लम आ रही हो कि यार मुझे यहाँ पर कन्फ्यूज़न हो रहा है, मुझे बता सकते हैं। एंड सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ उस बेल आइकन जरूर क्लिक कर दें जिससे अगली कोई वीडियो मिस नहीं करेंगे। लव यू ऑल, पीस।